सभी को नमस्कार। आज के सेशन में हम KVS के लोगों के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। अब क्योंकि आप KVS टीचर का इंटरव्यू दे रहे हैं तो हो सकता है आपसे वहाँ पे KVS लोगों के बारे में पूछा जाए। लोगो किसी भी संस्था का आईना होता है। लोगो संस्था की कोर वैल्यूज़ को रिप्रेजेंट करता है। KVS का जो लोगो है वो आपको क्या मैसेज देता है, KVS लोगों के ग्राफिक्स में क्या मीनिंग छुपे हुए हैं, वो सारी बातें हम आज की इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो आपको मैं स्क्रीन पे लेके चलता हूँ जहाँ पे KVS लोगों का ग्राफिक है, और वहाँ पे हम वन बाय वन जितने भी पार्ट्स हैं उन सभी को डिस्कस करेंगे। ये KVS का नया लोगो है। ये लोगो इससे पहले आपने कई बार देखा होगा, आज एक बार इसको फिर से ध्यान से देखिए और आप ये देखिए इससे आपको समझ में क्या आता है, क्या मैसेज देने की कोशिश की गई है। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि लोगो होता है वो किसी भी संस्था की कोर वैल्यूज़ को रिप्रेजेंट करता है। अब देखिए यहाँ से जो ये KVS का लोगो है ये किन वैल्यूज़ को रिप्रेजेंट करता है वो हम यहाँ से समझेंगे। आप इस लोगो में एक की आकृति है, इस आकृति को देखें, इस वाली आकृति को देखें, और आप ये देखें कि इस आकृति से आपको क्या समझ में आता है। तो कुछ फ्रेंड्स को लग सकता है कि ये आकृति है ये ओपन बुक की है। क्या समझ में आ सकता है कि खुली किताब की तरह हमें दिखाई देती है। कुछ फ्रेंड्स को दिखाई दे सकता है कि ये फ्लाइंग बर्ड है, फ्लाइंग बर्ड है, ठीक है। और अगर आपको ये दो चीज़ें आपको इसमें दिखाई दे रही हैं, ओपन बुक और फ्लाइंग बर्ड, तो ये आप बिल्कुल सही सोच रहे हो, ये आकृति है ये ओपन बुक और फ्लाइंग बर्ड को ही रिप्रेजेंट करती है। अब देखिए इन आकृतियों को एक सर्कल की फॉर्म में अरेंज कर दिया इस प्रकार से। जब इनको हम एक सर्कल की फॉर्म में अरेंज कर देते हैं तो ये एक राइजिंग सन बना देती है। तो तीसरी आकृति यहाँ पे हमारे पास बनती है राइजिंग सन की, और इसके साथ नीचे हमारा इंडियन फ्लैग बनता है फ्लाइंग बर्ड की विंग से और ओपन बुक के डिज़ाइन से। ये हमारा इंडियन फ्लैग है और ये KVS का आदर्श वाक्य है, तत् तवम पुषण अपावृणो। इसका मीनिंग भी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। अब देखो इसके अंदर तीन बातें हमारे पास आई हैं, ओपन बुक, फ्लाइंग बर्ड एंड राइजिंग सन। इन तीनों को हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम सन के बारे में ही डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे सन का क्या मीनिंग है, देखिए सन का जो एक्चुअल रोल है वो देखिए आप, आपको पता है कि अर्थ पे जो सोर्स ऑफ एनर्जी है वो हमारे पास सन ही है। तो इसका मतलब ये एनर्जी सोर्स है, और बेसिकली जो लाइफ है, लाइफ की जो एनर्जी है और उसका जो सोर्स है लाइफ का, वो भी कौन है, सन ही है। और जो सेंसेशन है, किसकी सेंसेशन, सेंसेशन ऑफ सीन, वो भी किससे, सन से ही होता है, क्योंकि जो देखने का प्रभाव है वो भी सन की जो एनर्जी है, सन की जो लाइट है, उसी से होता है। अब देखिए सन की लाइट है उसके बारे में थोड़ा सा समझ लीजिए आप, ये जनरल नॉलेज का क्वेश्चन भी है, ये भी निकल के आ सकता है आपके सामने। सन की जो लाइट है उसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कहते हैं, तो इसको मैं EM वेव्स लिखता हूँ। और ये जो EM वेव्स है इसके अंदर तीन टाइप की रेडिएशंस होती हैं। पहली टाइप की जो रेडिएशन होती हैं उनको IR रेडिएशन बोलते हैं, दूसरी टाइप की रेडिएशन को अल्ट्रावायलेट बोलते हैं, और तीसरी टाइप की जो रेडिएशंस हैं उनको विजिबल बोलते हैं। मतलब IR रेडिएशन, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन और विजिबल लाइट या विजिबल रेडिएशंस। IR रेडिएशंस हैं वो हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करती हैं। आपने देखा होगा कि सन में से हमें हीट मिलती है तो वो IR पार्ट के कारण मिलती है। UV पार्ट अर्थ तक नहीं आता, वो O3 जो ओजोन लेयर है वो इसको अब्जॉर्ब कर लेती है। ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए नुकसानदायक है UV, अगर ये बॉडी के संपर्क में आती है तो स्किन डिजीजेज इससे हो सकती है हमें। विजिबल जो पार्ट है, विजिबल पार्ट में आपको पता है 7 कलर्स होते हैं और उसको कुछ इस टाइप से रिप्रेजेंट करते हैं, VIBGYOR, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड, और इससे रेनबो बनता है। देखो काफ़ी गहरा मैसेज है, देखने में आपको छोटा सा लोगो दिखाई दे रहा है बट इस लोगो का जो मैसेज है काफ़ी डीप मैसेज देता है ये हमें। तो ये तो हमें सन से इन्फॉर्मेशन मिलती है। नेक्स्ट जो पार्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट पार्ट है ओपन बुक। अब देखो बुक हैं, बुक किसकी वाहक हैं, बुक से हमें ज्ञान मिलता है। क्या मिलता है, ज्ञान मतलब नॉलेज, और नॉलेज लीड करता है फ्रीडम को। दूसरी बात ये है कि जो बुक्स होती हैं वो
हमारा जितना भी नॉलेज है उसको स्टोर करके रखती हैं, उसको रिजर्व करते हैं। हम जितना भी नॉलेज है उस नॉलेज को बुक्स के अंदर रिजर्व करके रखते हैं, और वो नॉलेज एक पीढ़ी से अगली पीढ़ी तक जब हमें ट्रांसफ़र करना होता है तो थ्रू बुक्स करते हैं। तो किताबों से हमें ज्ञान मिलता है, ज्ञान को हम किताबों में रिजर्व करके रखते हैं, और ज्ञान मिलता है तो ज्ञान से हमें फ्रीडम मिलती है। तीसरा पार्ट इसका है फ्लाइंग बर्ड्स, फ्लाइंग बर्ड्स मेनली रिप्रेजेंट करते हैं फ्रीडम को, रिप्रेजेंट करते हैं, जॉय को रिप्रेजेंट करते हैं, और स्पेस, जो है वो हमें फ्लाइंग बर्ड से मैसेज मिलता है। इसके साथ साथ जो अंतरिक्ष प्रवास जिसको बोलते हैं, या स्पीड बोल सकते हैं कि फ्लाइंग बर्ड्स की जो स्पीड है वो, या जो लाइटनेस एक होती है, किसी प्रकार का कोई स्ट्रेस नहीं है, या जो उपलब्धियाँ होती हैं, अचीवमेंट्स होती है, वो फ्लाइंग बर्ड से हमें मैसेज मिलता है। तो ये जो तीन चीज़ें हमारे लोगों के अंदर है, पहला क्या है, सन, बर्ड्स और बुक्स, ये तीनों के तीनों का एक डीप मैसेज अगर मैं देखूं तो वो हमें रिप्रेजेंट करता है, क्या क्या रिप्रेजेंट करता है, नॉलेज, फ्रीडम, जॉय, एनर्जी, ये चीज़ें ये लोगो रिप्रेजेंट करता है। अब केवीएस की जो टैगलाइन है, जो आदर्श वाक्य है, उसका मीनिंग क्या है और ये कहाँ से लिया गया है उसके बारे में देखते हैं। पूरा श्लोक कुछ इस प्रकार से है, हिणमेन पात्रेण सत्यशापिहितम मुखम तत्तवम पुष्ण अपावृणु सत्य धर्माय दृष्टे। ये श्लोक यजुर्वेद का 40वां अध्याय जो ईशोपनिषद के नाम से प्रसिद्ध है उसका 15वां श्लोक है, और इस श्लोक का हिंदी अनुवाद ये है कि सत्य का मुख चमकीले सुनहरे ढक्कन से ढका है, हे पोषक सूर्यदेव, सत्य के विधान की उपलब्धि के लिए, साक्षात दर्शन के लिए तू वह ढक्कन अवश्य हटा दे। यहाँ पे सुनहरे ढक्कन का जो मीनिंग है वो है सांसारिक सुख सुविधाएं, लोभ लालच, या जो भौतिक वस्तुएं हैं वो, और यहाँ पे एक इसका जो मीनिंग है वो कुछ इस टाइप से निकलता है कि जो सांसारिक सुख सुविधाएं हैं उन्होंने हमारे दिमाग को ढका हुआ है। तो सूर्यदेव से यहाँ पे ये प्रार्थना की गई है कि हे सूर्यदेव, आप ये सांसारिक सुख सुविधाओं का जो ढक्कन हम पे लगा हुआ उसको हटा दें, ताकि जो ज्ञान का साक्षात दर्शन है वो हम कर सकें। और ये जो श्लोक है, इस श्लोक में से ये जो पर्टिकुलर लाइन है, ये वाली लाइन आदर्श वाक्य है केवीएस का, तत्तवम पुष्ण अपावृणु।